lectures. We will continue exercise 1.2, 12th, relation and function. Question number 6. Let A 1, 2, 3, B 4, 5, 6. दो हमारे पास सेट है. लेट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1, 4, 2, 5, 3, 6. बी ए फंक्शन ए टू बी और शो दैट एफ इज 1, 1. हमें 1, 1 यहाँ पर शो करना है. तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान सम है. ए हमारे पास है 1, 2, 3 और बी हमारे पास है 4, 5, 6, 7 और जो फंक्शन है ए टू बी वो है हमारे पास 1, 4, 2, 5 and 3, 6. बहुत आसान है. 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है. इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी. हम ऐसे मैपिंग के द्वारा भी इसको देख सकते हैं. ये ए सेट, ये बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 की इमेज 4, 2 की 5 और 3 की 6. यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी यूनिक इमेज यहाँ पर मैं हूं, इसका मतलब क्या है? 1, 1 है. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट B. So, by definition, fx is 1. मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि हर एक एलिमेंट की इसके अंदर यूनिक इमेज है. अगर यूनिक इमेज है तो यह फंक्शन क्या है? 1, 1. क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच केसेस यहां पर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, टू केसेस हैं. फंक्शन इज 1, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव. जस्टिफाई योर आंसर. हमें बताना है वो 1, 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, मतलब दोनों है. तो पहला जो पार्ट है फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल कितना है? fx बराबर 3 - 4x. तो पहले हम 1, 1 चेक करेंगे. 1, 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R. कहां से? डोमेन से. fx1 इज इक्वल टू fx2. 3 - 4x1 3 - 4x2. तो 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया. 4x1 इज इक्वल टू 4x2. 4 से 4 गया, तो x1 इज इक्वल टू x2. व्हाट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट B. मतलब जो फंक्शन को करें तो दोनों का जो इमेज है अलग अलग ही आएगी. 1 फुट करे तो अलग आएगी, 2 फुट करे तो अलग आएगी. तो रियल टू रियल है, इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज 1, 1. सो फंक्शन इज 1, 1. अब चेक करेंगे ऑन टू. ऑन टू के लिए हमें प्री इमेज चेक करना है. कोडोमेन की प्री इमेज क्या डोमेन में है या नहीं? तो देखिए, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन. y इज इक्वल टू 3 - 4x. अब इसकी इमेज चेक करते हैं बनेगी या नहीं. तो यहां से 4x को इस साइड लें. दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 3 - y और x इज इक्वल टू 3 - y/4. तो आप यहां से देख सकते हैं f की आप कोई भी वैल्यू लें तो उसकी प्री इमेज यहां पर आएगी ही आएगी मैपिंग के द्वारा. ये जो इसके अंदर मान लीजिए y है, तो y की आप कोई भी वैल्यू देंगे तो उसकी प्री इमेज यहां एडजस्ट करेगी. क्या करेगी? प्री इमेज यहां पर एडजस्ट करेगी. एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन ऑफ ए फंक्शन.
डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन में उसकी प्री इमेज जरूर होगी, सो इट इज आल्सो ऑन टू, इट इज आल्सो ऑन टू, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है। तो पहला हो चुका है, दूसरा करते हैं, सेकेंड पार्ट, रियल टू रियल फंक्शन, जो फंक्शन डिफाइंड है 1 + x² तो रियल टू रियल है 1 + x² है, तो स्क्वेयर वाले में तो सिर्फ क्या देखना होता है, इमेज देखना होता है, तो 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि फंक्शंस के अंदर जो कोई भी डोमेन का जो प्री डोमेन की जो इमेज है वो कोडोमेन में यूनिक होनी चाहिए। तो देखते हैं, लेट जो -1 और 1 बिलोंग्स टू आर, कहां से ले लिया हमने, दो नंबर ले लिए -1 और 1, तो चेक करते हैं एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो -1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज चेक करें 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां देख सकते हैं -1 पुट किया तो भी 2 और 1 पुट किया तो भी 2, तो आप देखिए f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है परंतु इमेज इनकी बराबर है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां देखिए -1 की इमेज क्या आई है 2, और 1 की इमेज भी क्या आई है 2, तो क्या हम इसको 1 1 कह सकते हैं, नहीं। सो एफ एक्स इज नॉट 1 1, तो ये है 1 1 नहीं है। अब आगे चलते हैं ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हम कोडमेन में ढूंढ दें जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर स्क्वेयर है, जब भी आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रियल टू रियल पुट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर है इसके अंदर हमेशा फ्री पड़े रहेंगे, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, -2 बिलोंग्स टू आर, कहां से, कोड में से, तो इसकी तो प्री इमेज कोई भी नहीं होगी, कोई भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो -2 does not have its pre-image in its domain। तो ये तो सिर्फ मैंने -2 लिखा था, लेकिन कोई भी माइनस नंबर, नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर has pre-image, किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं है, या यूं कह सकते हो कोई भी आंसर जहां पर नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स शो दैट, फंक्शन है ए क्रॉस बी टू, बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब प्रूव करना है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सॉल्यूशन, फंक्शन क्या है, ए क्रॉस बी टू, बी क्रॉस ए, और फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो 1 1 प्रूव करेंगे, पहले 1 1 में लेट कर लें ए 1 बी 1, ए 2 बी 2 बिलोंग्स टू आर, कहां से, डोमेन से, तो हम इसकी करेंगे एफ ऑफ ए 1 बी 1 एफ ऑफ ए 2 बी 2 मीन्स क्या बन गया, b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से। तो यहां से आप देखिए, b1
B1 किसके इक्वल हो गया B2 के एंड A1 किसके इक्वल हो गया A2 के। ये शायद क्या शो कर रहा है भी कोई भी अपन इसके अंदर एलिमेंट ले तो उसकी यूनिक इमेज यहां पर प्रेजेंट होगी, यानी कि उसकी यूनिक इमेज जरूर होगी कोड मेन में। तो सो FX इज 1 1, FX इज 1 1, तो मेरे ख्याल में ये समझ आ चुका है। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हमें क्या शो करना है, कोड मेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो लेट कोड मेन से बी बी और ए हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं दैट बिलोंग्स टू आर, कहां से, कोड मेन से। अब इसकी हम क्या चेक करें, प्री इमेज चेक करें, तो एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो आप देख सकते हैं ये कोडोमेन से है, ये किस में है, डोमेन से है। तो ए बी जो है बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। सो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव देयर प्री इमेजेस इन इट्स डोमेन। तो डोमेन के अंदर प्री इमेज उसकी जरूर होगी। आप देख भी सकते हैं एफ ऑफ बी किसके बराबर होगा, ए बी के, जो किसके आर बिलोंग्स टू डोमेन, जो किसमें है, डोमेन में है। सो इट इज ऑन टू, हेंस एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ चुका है। तो आने वाले सम देखने के लिए, पिछले सम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत